आइए देखें कि भुगतान संतुलन की मदें कौन कौन सी हैं। सबसे पहले इन मदों में हम शामिल करते हैं वस्तुओं के आयात निर्यात को, जिसके बारे में हमने पहले काफ़ी अच्छे से जाना है। हमारे देश में बहुत सी वस्तुएं ऐसी हैं जिनका हम प्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं, या फिर हम कुछ नई टेक्नोलॉजी में जाना चाहते हैं, कुछ नई टेक्निक्स में जाना चाहते हैं, उन वस्तुओं का उपयोग हम करना चाहते हैं जिनके कुछ अपने अच्छे ब्रांड हो या हम अपना एक स्टेटस सिंबल बनाकर रखते हैं। यही कारण है कि हम वस्तुओं का आयात करते हैं, एक तो अपनी विलासिता या आरामदायक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, और एक दूसरा फैक्टर इसमें आता है कि ज़रूरत है इसलिए हमको आयात करना पड़ता है। यहाँ पर हम जिस आयात की बात करते हैं वो किसी न किसी वस्तु से संबंधित होती है। दूसरा पहलू इसका है निर्यात से संबंधित। किसके निर्यात से संबंधित? वस्तुओं के निर्यात से संबंधित। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं हमारे देश में जिनकी उपयोगिता विदेशों में बहुत ज़्यादा है, विदेशों में जिनका उत्पादन होता ही नहीं है, उन वस्तुओं का हम निर्यात भी करते हैं अपने देश से। वास्तव में जब यहाँ पर हम आयात निर्यात की बात करते हैं तो उसमें केवल वस्तुओं के आयात और निर्यात शामिल होते हैं। अब इन मदों के लेखांकन की अगर हम बात करें तो जब हम आयात करते हैं तो हम अपने देश से मुद्रा देते हैं, खर्च करते हैं। अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, अकाउंटिंग के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो आयात की जो मदें होती हैं वो डेबिट हो जाती हैं क्योंकि खर्च होता है वहाँ पर। निर्यात जब हम करते हैं तो विदेशी मुद्राओं को हम प्राप्त करते हैं, खाता जो होता है हमारा, विदेशी मुद्रा भंडार जो होता है वो भरता है, आता है हमारे पास, बढ़ जाती है हमारी राशि। इसलिए निर्यात की जो मदें होती हैं उनको हम क्रेडिट साइड करते हैं। एक अपना मदों का एक दृष्टिकोण हम रखें और दूसरा हम लेखांकन के दृष्टिकोण से इन मदों को देखें तो कुछ अलग अलग प्रभाव हमको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। दूसरा, सेवाओं के बारे में हम बात करते हैं। हमने पहले भी अभी देखा कि किस तरह से बहुत सारी बीमा कंपनियाँ, जहाजी कंपनियाँ, बहुत सारे बैंक और अंतर्राष्ट्रीय जो कंपनियाँ हैं वो सब मिलकर आपस में सेवाएँ एक दूसरे को आदान प्रदान करती हैं। हम भी अपने देश के जो हमारे नागरिक हैं वो भी विदेशों में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, चाहे वो चिकित्सा, स्वास्थ्य, तकनीक या कई क्षेत्रों से संबंधित। वैसे ही हम विदेशों के लोगों से सेवाएं अपने देश में प्राप्त करते हैं। जब हमारे देश के यानी जब भारत के नागरिक दूसरे देश को सेवाएँ देते हैं तो इन सेवाओं को हम निर्यात सेवाएँ कहते हैं, और ऐसी कंडीशन में जिस विदेशी मुद्रा का अर्जन होता है उसको हम अगर लेखांकन के दृष्टिकोण से देखें तो वो चली जाती है क्रेडिट में। दूसरा पक्ष आयात का, जब हम दूसरे देश के किसी व्यक्ति से, दूसरे किसी देश के नागरिक से किसी तरह की सेवाएं लेते हैं तो ये जो सेवाएं होती हैं वो आयात सेवाओं के अंतर्गत आती हैं, और ऐसे कंडीशन में हमको जिस राशि का भुगतान करना पड़ता है क्योंकि व्यय हुआ हमारे पास से गई वो राशि, तो लेखांकन के दृष्टिकोण से हम देखें तो इन राशियों को हम डेबिट कर देते हैं। तीसरी बात यहाँ पर हम करते हैं ब्याज या लाभांश की। हम विदेशों से ऋण लेते हैं जरूरत पड़ने पर, कई देशों को ऋण हम देते भी हैं। यहाँ पर लाभांश या ब्याज के प्राप्ति और भुगतान दोनों की कंडीशंस बनती हैं। दूसरे देश के लोग हमारे देश में कहीं ना कहीं विनियोग करते हैं या हम किसी दूसरे देश में विनियोग करते हैं, दोनों ही कंडीशंस बनती हैं। एक पक्ष जबकि दूसरे देश का कोई नागरिक हमारे देश में कहीं पर विनियोग कर रहा है तो उसको जो लाभांश मिलेगा, यानी हम हमारे देश से जो लाभांश दिया जाएगा या ऋण के तौर पर ब्याज के रूप में जो भुगतान किया जाएगा, क्योंकि हमारे देश के लिए वो व्यय है, लेखांकन के दृष्टिकोण से हम देखें तो हम उसको डेबिट में लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गोल्डन रूल। और दूसरा पहलू, अगर हमारे देश का कोई व्यक्ति, हमारे देश के लोग या हमारा देश दूसरे देशों में विनियोग करता है, दूसरे देशों को ऋण देता है, तो जो ब्याज प्राप्त होगा, जो लाभांश प्राप्त होगा वो हमारे देश के लिए आय होगी, और आय लेखांकन के दृष्टिकोण से हम लिखेंगे क्रेडिट साइड में। अगली मद की अगर हम बात करें तो वो है विदेशों में सरकार का व्यय।
बहुत बार ऐसा होता है कि एक देश की सरकार विदेशों में व्यय करती है। आपने टीवी में भी सुना होगा, न्यूज़ में भी सुना होगा कि हर देश का दूसरे देश में एक दूतावास होता है। प्रत्येक देश अन्य देशों में जहाँ से उसके अच्छे संबंध है अपने राजदूत राजनयिक नियुक्त करके रखता है। उन दूतावास में बहुत सारे अन्य अधिकारी और कर्मचारी भी होते हैं। इन दूतावास की देखभाल रख रखाव के लिए, कर्मचारियों के अधिकारियों की सुरक्षा के लिए और अन्य कई दृष्टिकोण से एक देश की सरकार को दूसरे देश पर व्यय करने होते हैं। ये सारे व्यय भुगतान संतुलन के मद्दे हैं और क्योंकि ये एक देश के द्वारा किया जाता है, हम अपने देश के परिप्रेक्ष्य में इसको समझें तो अगर हम इस तरह का कोई व्यय दूसरे देश में करते हैं तो ये सारे व्यय लेखांकन के दृष्टिकोण से डेबिट में आते हैं। यहीं पर एक दूसरा पहलू हम देखते हैं कि कई बार हम एक राष्ट्र जो है वो दूसरे राष्ट्र को बहुत सारी सहायताएं देता है, सहायता के रूप में कुछ भुगतान करता है तो ये सारे भुगतान भी डेबिट में आते हैं। दूसरा पहलू इसका देखें तो हमारे देश में भी बहुत सारे अन्य देशों के दूतावास हैं। वो अन्य देश जब हमारे देश के दूतावास पर या हमारे देश में व्यय करते हैं या फिर सहायता के रूप में कोई राशि हमको प्रदान करते हैं तो क्योंकि वो हमारी आय हो जाती है इसलिए हम उसको क्रेडिट में लिखते हैं। एक महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर हम ये देख रहे हैं, दीर्घकालीन विनियोग जिसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ऐसे विनियोग जो लगभग एक वर्ष की अवधि से अधिक के लिए किए जाते हैं दीर्घकालीन विनियोग की श्रेणी में आते हैं। अब हमारे देश के द्वारा किसी अन्य देश में जो दीर्घकालीन विनियोग किए गए हैं, क्योंकि हमारी तरफ से वो खर्च किए गए हैं, हम उनको डेबिट में लिखेंगे लेखांकन के दृष्टिकोण से। अन्य कोई देश हमारे देश में अगर दीर्घकालीन विनियोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करता है, हमारे देश में वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, हमारे देश में उस देश की मुद्रा आ रही है, हम उसको क्रेडिट में लिखेंगे क्योंकि अकॉर्डिंग टू गोल्डन रूल यहाँ पर हमको आय हो रही है, वो मुद्रा हमारे पास आ रही है इसलिए हम उसको क्रेडिट में लिखेंगे। कुल मिलाकर यहाँ पर हमने देखा कि किस तरह से ये जो भुगतान संतुलन के पृथक पृथक मदे हैं, अलग अलग मदे हैं, हालांकि इनका लेखा जोखा चालू खाते में किया जाता है, इनको हमने इनके आशयगत दृष्टिकोण से भी देखा, इनका अर्थ क्या है, कौन कौन से मदे शामिल होते हैं उनके बारे में भी जाना, साथ में हमने ये भी जाना कि लेखांकन के दृष्टिकोण से इनकी प्रविष्टि किस प्रकार की जाती है। अब इन्हीं मदों में हम अगली मद देखें तो वो है अल्पकालीन विनियोग। हमने पहले भी अल्पकालीन विनियोगों के बारे में जाना है, विभिन्न प्रकार के विनियोग के बारे में पढ़ा है, हमने देखा कि वो सारे विनियोग जो एक वर्ष की अवधि तक के लिए किए जाते हैं वो सभी अल्पकालीन विनियोग कहलाते हैं। तो भुगतान संतुलन में अल्पकालीन विनियोगों को भी हम शामिल करते हैं जिनकी अवधि एक वर्ष उसके अंदर की होती है। दूसरे जो दीर्घकालीन विनियोग होते हैं इसके बाद के जो विनियोग होते हैं, यानी कि एक वर्ष की अवधि के बाद से उससे अधिक लंबे जो विनियोग होते हैं वो सारे दीर्घकालीन विनियोगों के अंतर्गत आते हैं। हमने इसके कुछ उदाहरण भी देखे थे, जैसे बैंकों में जमा किया गया धन या कहीं पर और इन्वेस्ट अगर करता है, ऋण के माध्यम से कोई इन्वेस्टमेंट किया जाता है लेकिन उसकी अवधि जो होती है अगर वो एक वर्ष से अधिक की होती है तो हम उनको दीर्घकालीन विनियोगों में शामिल कर लेते हैं। अगला एक पॉइंट हम इसमें देखते हैं, स्वर्ण का आयात निर्यात। जब दो देशों के बीच जो भुगतान संतुलन की स्थिति यानी प्रतिकूल स्थिति जब एक उत्पन्न होती है तो उससे निपटने के लिए कई बार स्वर्ण का आयात निर्यात भी करना पड़ता है। अब बात यहाँ पर हम कर रहे हैं कि अकाउंटिंग में कहाँ पर हम उसकी प्रविष्टि करें, कहाँ लिखें, तो यहाँ हम देखते हैं कि अगर स्वर्ण का आयात किया जाता है, स्वर्ण हम कहीं से खरीदते हैं, दूसरे देश से मंगाते हैं, तो उस कंडीशन में हमको उनको विदेशी मुद्रा का भुगतान करना पड़ता है। विदेशी मुद्रा यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास से जाती है तो इस कंडीशन में फिर वहाँ पर हम जब भुगतान संतुलन के लिए अपना लेखा जोखा करते हैं तो हम डेबिट साइड में उसको लिखते हैं क्योंकि व्यय किया हमने, खर्च किया इस पर। वहीं दूसरी एक दशा बनती है जब स्वर्ण का निर्यात किया जाता है। अब जबकि देश स्वर्ण का निर्यात करता है तो जाहिर सी बात है उसको विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होगी, विदेशी मुद्रा उसको प्राप्त होगी, तो क्योंकि ये प्राप्तियाँ हैं इसलिए इस जो भी प्राप्तियों की अमाउंट होती है उनको हम क्रेडिट में करते हैं, निर्यात की जो भी मदें होती हैं उनको हम क्रेडिट में करते हैं।
अब इसके बाद अगर हम देखें कि वास्तव में भुगतान संतुलन की संरचना क्या है, एक इसका प्रारूप क्या है, इसकी संरचना क्या है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किसी भी देश की हम बात करें, जो भुगतान संतुलन की बात आती है, तो कौन कौन सी प्राप्तियाँ हैं उनको हम समाकलित करते जाते हैं, कौन कौन सी हमारे व्यय हैं, कहाँ कहाँ पर हम खर्च कर रहे हैं, किन किन दशाओं में जो मुद्रा है वो हमारे पास से जा रही है उनको हम डेबिट करते जाते हैं, और उसके बाद फिर हम एक वास्तविक स्थिति का वहाँ पर हम आकलन करते हैं कि क्या है, स्थिति प्रतिकूल है कि अनुकूल है। तो ये कुल मिलाकर पूरी एक संरचनात्मक रूप जब हमको इसको भुगतान संतुलन को देना होता है तो एक लेखाबद्ध रूप से हम इसकी संरचना तय करते हैं। यहाँ अगर हम देखें तो भुगतान संतुलन की मदों को हम दो भागों में बांट देते हैं अलग अलग लेखों के आधार पर। तो यहाँ हम इनको चालू खाते में लिखते हैं और उसके बाद हम इनको पूंजी खाते में लिखते हैं। सामान्य रूप से हम क्योंकि अकाउंट के स्टूडेंट हैं तो हम चालू और पूंजी खाते दोनों के बारे में काफ़ी अच्छे से जानते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि भुगतान संतुलन के अंतर्गत प्राप्ति और व्यय की जो मदें हैं वो थोड़ी सी हट कर है हमारे अकाउंटेंसी से। तो अगर यहाँ हम देखें कि भुगतान संतुलन में हम जिस चालू खाते का निर्माण करते हैं वो क्या है, उनमें कौन कौन सी मदें शामिल करते हैं, उसका प्रारूप क्या है, तो आइए इस पर एक नज़र डालें। यहाँ हम देखते हैं कि भुगतान संतुलन में जो चालू खाता बनाया जाता है वो वास्तव में अल्पकालीन सौदों को दर्शाता है। जिसे हमने पहले भी जाना था कि जो चालू खाते होते हैं वो करंट अकाउंट, जिसे नाम से स्पष्ट है, जो रोज़मर्रा के जो व्यय होते हैं, बार बार होने वाले जो व्यय होते हैं जिनको हम चालू व्यय कहते हैं, उससे संबंधित बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर भी भुगतान संतुलन में भी हम जिस चालू खाते का प्रयोग करते हैं, चालू खाते का हम निर्माण करते हैं, वहाँ पर हम चालू मदों को यानी कि अल्पकालीन वास्तविक मदों की ही प्रविष्टि करते हैं। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात यह कि भुगतान संतुलन का जो खाता होता है उसको हम अल्पकालीन भी कह सकते हैं, क्योंकि अल्पकालीन मदों की इसमें प्रविष्टि की जाती है, तो अल्पकालीन खातों के अंतर्गत भी हम इसको शामिल कर सकते हैं। एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह देखने को मिलती है कि इसमें सभी प्रकार की जो वस्तुएं होती हैं उनका हम यहाँ पर उनकी प्रविष्टि यहाँ करते हैं। अब सभी प्रकार की यानी किस किस तरह की, तो हमने पहले भी इसके बारे में जाना कि कुछ वस्तुओं को हम दृश्य के अंतर्गत शामिल करते हैं और कुछ वस्तुओं को हम अदृश्य के अंतर्गत शामिल करते हैं। दृश्य वस्तुओं के अंतर्गत वो सभी माल आते हैं जिनका हमने एक अगर हम लेखांकन की भाषा में बात करें तो रजिस्टर्ड में जिनकी एंट्री होती है, जो रजिस्टर्ड गुड्स होते हैं बंदरगाह पर, जो रजिस्टर है उनमें जो प्रविष्टि होती है, जो भौतिक रूप से वहाँ पर होते हैं उनको हम शामिल करते हैं। और अदृश्य जो वस्तुएं होती हैं, अदृश्य जो मदें होती हैं उनमें हम सेवाओं को शामिल करते हैं। इसके अंतर्गत भी हमने बहुत विस्तार से पढ़ा था कि कौन कौन सी ऐसी सेवाएँ हैं जिसको हम अदृश्य मदों के अंतर्गत भुगतान संतुलन में शामिल करते हैं। तो चालू खाता जब हम आते हैं तो इसमें हम दृश्य और अदृश्य दोनों ही प्रकार की मदों को शामिल करते हैं। तीसरी एक महत्वपूर्ण बात इसके बारे में हम यहाँ पे देखते हैं कि इसमें एक पक्षीय अंतरण जो होता है उसकी प्रविष्टि भी की जाती है। एक पक्षीय अंतरण की अगर हम बात करें तो आप देखते होंगे कि हमेशा ज़रूरी नहीं है कि देश और विदेश, दो देशों के मध्य जो व्यवहार हो उसमें दोनों शामिल हो, यानी कि एक खरीदे या एक बेचे, यानी कि आयात या निर्यात की ही स्थिति हो और उससे ही मुद्रा का आदान प्रदान हो। कई बार एक देश दूसरे देश को सहायता के रूप में भी कुछ धनराशि देता है, दान के रूप में कुछ धनराशि देता है, तो इस तरह के जो अंतरण होते हैं जिसमें केवल एक ही देश देने वाला होता है और दूसरा जो है वो लेने वाला होता है, बदले में वो दूसरे देश को कुछ भी नहीं देता, तो इस तरह का जो अंतरण होता है धन का वो एक पक्षीय अंतरण कहलाता है। और जब हम चालू खाते की बात कर रहे होते हैं तो एक पक्षीय अंतरण को भी हम चालू खाते में शामिल करते हैं। एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पे हम देखते हैं कि इसके अंतर्गत कैसी मदें लिखी जाती हैं, उनके नाम, यहाँ पर हमने देखा एक परिभाषिक रूप से अर्थ के रूप में कि कौन कौन सी मदें शामिल की जाती हैं, लेकिन एक्चुअल उनका नाम क्या होता है, किस तरह से हम उसको फॉर्मेट में लिखते हैं, प्रारूपबद्ध करते हैं, आइए इस पर एक नज़र डालें। भारत के समस्त भुगतान संतुलन की मदों का चालू खाते के अंतर्गत लेखन, इस फॉर्मेट में हम देख रहे हैं कि एक मदे के कॉलम के साथ तीन अन्य कॉलम बनाए जाते हैं, जिसमें एक कॉलम में समाकलन, दूसरे कॉलम में विकलन और उसके बाद दोनों का अंतर जो कि भुगतान संतुलन प्रतिकूल है या अनुकूल इसको प्रदर्शित करता है,
को लिखते हैं। यहाँ पर हम मदों को दो भागों में बांट देते हैं, चालू खाता और फिर पूंजी खाता। तो सबसे पहले हम चालू खाते की मदों को देखते हैं। ए चालू खाता, करंट अकाउंट, पहला माल, दूसरा अदृश्य इनविजिबल, इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है ए सेवाएं सर्विस। सेवाओं के अंतर्गत शामिल किया जाता है पहला यात्रा ट्रेवल, दूसरा परिवहन ट्रांसपोर्टेशन, तीसरा बीमा इंश्योरेंस, चौथा सकल राष्ट्रीय आय ग्रॉस नेशनल इनकम, पांचवा सकल राष्ट्रीय व्यय ग्रॉस नेशनल एक्सपेंडिचर, छठवा विविध मिसलेनियस। दूसरा इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है अदृश्य मदों में अंतरण यानी ट्रांसफर्स, बी अंतरण ट्रांसफर्स। इसके अंतर्गत शामिल की जाने वाली मदें हैं पहला सरकारी यानी ऑफिशियल्स, दूसरा निजी प्राइवेट, और सी यानी कि थर्ड कंडीशन जो है अदृश्य मदों के थर्ड जो पॉइंट है वो है निवेश आय यानी इन्वेस्टमेंट इनकम। और फिर हम इन तीनों को एबीसी को टोटल करते हैं तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कुल चालू खाता, टोटल करंट अकाउंट। पूंजी खाते के अंतर्गत हम सबसे पहले शामिल करते हैं इसमें विदेशी निवेश यानी फॉरेन इन्वेस्टमेंट, दूसरा ऋण लोन जिसमें तीन तरह की मदें आती है जिनको हम एबीसी से प्रदर्शित करेंगे, ए विदेशी सहायता एक्सटर्नल असिस्टेंस, बी वाणिज्यिक उधार कॉमर्शियल बोरोइंग्स, सी अल्पकालीन शॉर्ट टर्म अनिवासी भारतीय जमा राशियां, तीसरा शामिल किया जाता है इसमें बैंकिंग पूंजी बैंकिंग कैपिटल, फोर्थ पॉइंट आता है रुपए ऋण सेवा रुपीज डेब्ट सर्विस, फिफ्थ पॉइंट है अन्य पूंजी यानी अदर कैपिटल, और इन सबको हम मिला देते हैं तो ये कुल पूंजी हो जाती है जिसे हम टोटल कैपिटल 1 to 5 ऐड करके लिखते हैं। सी इसमें हम शामिल करते हैं भूल चूक एरियर एंड ओमिशंस, डी समग्र संतुलन ओवरऑल बैलेंस ए प्लस बी प्लस सी, नेक्स्ट पॉइंट हम इसमें शामिल करते हैं ई यानी मौद्रिक प्रवाह मॉनेटरी मूवमेंट्स, जिसमें हम शामिल करते हैं सबसे पहले अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, दूसरा एसडीआर आवंटन और तीसरा विदेशी विनिमय की आरक्षित निधियां। हमने देखा कि प्रारूप के अंतर्गत जब हम चालू खाता बनाते हैं तो किन किन मदों को शामिल करते हैं, बिंदुवार हमने उन मदों के बारे में जाना, लेकिन इन मदों के अंतर्गत हम राशि कौन सी लिखेंगे, किस किस अमाउंट को शामिल करेंगे और इन मदों के अंतर्गत हम उसको मान लेंगे, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा था माल। अब जैसे कि हमने पहले भी देखा कि माल जो है एक दृश्य, हम उसको आयात निर्यात मानते हैं दृश्य वस्तु का, तो माल का आयात और माल का निर्यात दोनों ही प्रकार के जो कार्य हैं वो इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। दूसरी बात यहाँ पर आती है अदृश्य मदें, क्योंकि माल केवल दृश्य मद स्पष्ट हो जाता है कि माल है मतलब वो दृश्य मद है, इसलिए हमने इसको दूसरे भाग में बांट दिया, दूसरा जो है वो अदृश्य मद है जिसके बारे में हमने पहले भी जाना। बहुत सी सेवाएं होती हैं, जैसे हम देखते हैं कि बैंकिंग सेवाएं होती हैं, दो देशों के मध्य रुपए का जब आदान प्रदान होता है किसी भी कारण से, चाहे वो व्यापार के कारण हो या अन्य किसी कारण से, तो बैंकों की ज़रूरत पड़ती है। विदेशी बैंक जो होते हैं वो मुद्रा करेंसी जो होता है एक देश की करेंसी को दूसरे देश में कन्वर्ट करना, और ऐसे बहुत सारे कार्य आयात निर्यात व्यापार के अंतर्गत किए जाते हैं। तो बैंकों से संबंधित जो सेवाएँ हैं, बंदरगाह की जो सेवाएं हैं उनको हम अदृश्य मदों में शामिल करते हैं। फिर हम देखते हैं कि चिकित्सकीय सेवाएं भी, एक देश का जो चिकित्सक है वो दूसरे देश में जाके वहाँ के मरीजों को अपनी सेवाएं देता है, टीचर जो है वो एक देश का जो है वो दूसरे देश के स्टूडेंट्स को अपनी सेवाएं देता है। तो इस तरह के बहुत सारे चीज़ आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखते होंगे। टेक्नीशियंस का हम यूज़ करते हैं, दूसरे देश की हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, तो ये सारी जो सेवाएँ होती हैं वो अदृश्य मदों के अंतर्गत शामिल की जाती हैं। और जब हम चालू खाता को प्रारूपबद्ध करते हैं, फॉर्मेट हम उसका बनाते हैं, तो इन्हीं सब मदों को हम अदृश्य मदों के अंतर्गत शामिल कर देते हैं। अब अगर हम बात करें इसमें तीसरी मद की, तो वो है यात्रा। विदेश यात्रा जब करते हैं हम, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि दूसरे देश की करेंसी हमको चाहिए होती है, जिस देश में हम यात्रा कर रहे हैं उस देश की जो करेंसी है वो हमको चाहिए होती है। तो यहाँ पर जो आदान प्रदान होता है, अगर हम किसी दूसरे देश की यात्रा कर रहे हैं तो उस देश की करेंसी हम वहाँ पर खर्च करेंगे,
कोई जो दूसरे देश के जो व्यक्ति हैं हमारे देश में जब वो आते हैं यात्रा करते हैं तो उस देश की जहाँ से भी वो व्यक्ति आया है उस देश की करेंसी हमको प्राप्त होती है, तो ये भी एक मद बन जाती है चालू खाते में प्रविष्टि करने की। यहीं पर अगर हम बात करें पर्यटकों के आने जाने की और अगर हम उसको लेखांकन बद्ध करते हैं, लेखाबद्ध अगर हम करें डेबिट क्रेडिट की बात करें तो क्या माने, साफ तौर पर अगर देखा जाए तो किसी दूसरे देश के जो व्यक्ति है लोग हैं हमारे यहाँ आते हैं यानी हमारे देश में अगर वो पर्यटन का कार्य करते हैं तो यहाँ पर हम ये मान लेते हैं कि एक तरह का ये निर्यात है। क्यों ऐसे हम ये मान लेते हैं? क्योंकि दूसरे देश का जो व्यक्ति है वो हमारे देश में आता है तो उसकी जो करेंसी है उसके देश की जो करेंसी है वो हमको प्राप्त होती है, उससे हमको लाभ होता है, तो इसको हम एक निर्यात के दृष्टि से भी देख सकते हैं। इसी के ठीक विपरीत अगर हम किसी देश में जाते हैं यात्रा करते हैं तो हमको उस देश की करेंसी खर्च करनी पड़ती है, देना पड़ता है, यानी कि हमको पैसा भुगतान करना पड़ता है, तो दूसरे देश में जाकर पर्यटन करना ये हम कहीं ना कहीं इसको हम आयात के रूप में देख सकते हैं। तो हालांकि ये भी एक प्रकार का आयात निर्यात ही होता है भले वो अदृश्य हो, तो इसको भी हम चालू खाते के अंतर्गत शामिल करते हैं। इसी तरह हम देखते हैं परिवहन, यात्रा से हम परिवहन को अलग करें, यात्रा की जब हम बात करते हैं तो पर्यटन के दृष्टिकोण से करते हैं, लेकिन जब हम परिवहन की बात करते हैं तो यहाँ पर हम जो ट्रांसपोर्टेशन जिसका यूज़ व्यापारिक कार्यों के लिए किया जा रहा है, बिजनेस पर्पज़ से जिसका यूज़ किया जा रहा है, उस परिवहन की बात करते हैं। हम हवाई जहाज़, पानी के जहाज़ या बहुत से अन्य जो साधन होते हैं उसके माध्यम से आयात निर्यात करते हैं और इस आयात निर्यात पर परिवहन व्यय जो होता है वो भी, क्योंकि आयात निर्यात का एक महत्वपूर्ण अंग होता है तो इसको भी, परिवहन के जो व्यय होते हैं, परिवहन से हमको जो आय होती है उनको भी हम चालू खातों के अंतर्गत शामिल करते हैं। यहीं पर हम देखते हैं कि इस आयात निर्यात को अगर हम लेखांकन के दृष्टिकोण से देखें, देनदार या लेनदार के दृष्टिकोण से देखें, तो बहुत स्पष्ट हो जाता है कि अगर देश के व्यापारी द्वारा विदेशी यातायात का प्रयोग किया जाता है, यानी हमारे देश का कोई व्यापारी विदेशी यातायात का प्रयोग करता है तो ऐसे कंडीशन में यह देनदारी कहलाएगी, हमको पैसा उसको भुगतान करना होता है। उसके जस्ट अपोजिट एक स्थिति बनती है जबकि दूसरे देश के जो व्यापारी है वो हमारे देश के यातायात का प्रयोग करते हैं तो जाहिर सी बात है कि लेनदारी के अंतर्गत ये राशि चली जाएगी, लेकिन कुल मिलाकर परिवहन से संबंधित जो आय व्यय है उसको चालू खाते में हमको शामिल करना होता है। अगली एक मद हम देखते हैं बीमा। बहुत सामान्य सी बात है कि जब भी कोई व्यापारी माल को बेचता है या खरीदता है तो वो उसका बीमा कराता है। फिर अगर हम बात करें आयात निर्यात की, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की, तो इसमें जो माल आयात निर्यात होता है वो तो ऑलरेडी बहुत एक्सपेंसिव होते हैं तो बहुत ज़रूरी होता है कि इनको भेजने से पहले इनका बीमा करा लिया जाए। आप वाणिज्य विषय के अंतर्गत पढ़ते होंगे समुद्री बीमा या जहाजी बीमा, किस तरह से कितना विस्तृत इनका क्षेत्र होता है, पूरे के पूरे माल का, पूरे के पूरे जहाज का बीमा करा लिया जाना, तो इस पर जो व्यय होता है, इस पर जो खर्च होता है वो जो है वो हमारे लिए भुगतान संतुलन के अंतर्गत चालू खातों की मदों के अंतर्गत आती है। ये दोनों ही तरीके से हो सकता है, बीमा कंपनियाँ अगर हमारे देश की बीमा कंपनी से बाहर की कोई एजेंसी बीमा करवाती है, बाहर का कोई पक्षकार बीमा करवाता है तो वहाँ पर तो हमको आय प्राप्त होती है तो उसको फिर हम अपनी इनकम में शामिल करेंगे, क्रेडिट में हम उसको शामिल करेंगे, लेकिन हम अगर किसी दूसरे देश के बीमा कंपनी से बीमा करवाते हैं हमको उस देश की करेंसी उनको पे करनी पड़ती है तो ऐसे कंडीशन में फिर हम उसको अपनी लेनदारी के रूप में शामिल कर लेंगे, फिर हमको उसको भविष्य में भुगतान करना होगा। दूसरी एक बात यहाँ पर हमको ये देखने को मिलती है कि जो सकल राष्ट्रीय आय होती है वो भी भुगतान संतुलन का एक हिस्सा है। सकल राष्ट्रीय आय के बारे में पिछले दो अध्याय में हमने काफ़ी विस्तार से जाना तो अब हम बहुत अच्छे से जान गए होंगे कि किस तरह से सकल राष्ट्रीय आय को भुगतान संतुलन में शामिल किया जाना चाहिए। अब साथ में यहाँ पर हम देखते हैं सकल राष्ट्रीय व्यय, क्योंकि हम भुगतान संतुलन बैलेंस की बात करें, जितना आय उतना व्यय, अगर इसमें हम देखते हैं कि कई बार प्रतिकूलता भी आ जाती है, कई बार अनुकूलता भी आ जाती है, व्यय जो है वो आय से अधिक हो जाता है तो प्रतिकूल स्थिति बन जाती है, आय अगर व्यय के बराबर है, संतुलन है तो अनुकूल स्थितियाँ हो सकता है, आय ही ज़्यादा हो व्यय कम हो तो एक अनुकूल स्थिति बनती है, और अगर दोनों बराबर है तो संतुलन की स्थिति बनती है, तो कहीं ना कहीं इस तरह की जो मदें होती है सकल राष्ट्रीय आय या सकल राष्ट्रीय व्यय वो भी इसके अंतर्गत शामिल की जानी चाहिए। निश्चित ही शामिल तो हम करते हैं लेकिन हम यहाँ बात करें कि चालू खातों में हम इसकी प्रविष्टि करते हैं।
उसके बाद हम देखते हैं बहुत से अन्य आय व्यय भी होते हैं जिनको हमको भुगतान संतुलन में शामिल कर लिया जाना चाहिए, जैसे कि व्यापारिक उपक्रमों की जो सेवाएं होती है, जिसमें हम बैंक, बीमा और इस तरह की बहुत सारी सेवाओं से संबंधित जो एजेंसियां हैं उनके जो व्यय होते हैं, उनसे प्राप्त जो आय होती है, उन सभी को हम इसके अंतर्गत शामिल करते हैं। और साथ ही हम इसमें देखते हैं कि अंतरण भी एक महत्वपूर्ण जिसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा कि ट्रांसफ़र जो होता है एक देश से दूसरे देश को किसी पर्पज़ से जो धनराशि का अंतरण होता है, इसको भी हम इसके अंतर्गत शामिल करते हैं। कई बार ये एक पक्षीय होता है, जैसे दान दे देना या सहायता राशि कुछ प्रदान कर देना केवल एक देश दूसरे देश को देता है। और कई बार ये निवेश के रूप में होता है, आप देखते होंगे कि बहुत सारी फॉरेन कंपनियाँ जो है वो हमारे देश में आकर इन्वेस्ट करती हैं, हमारे देश में कुछ वो प्रोडक्शन का कुछ कार्य करती है, तो जो ये जो निवेश का जो कार्य होता है ये भी कहीं ना कहीं भुगतान संतुलन की मद है, और वो मद है जो चालू खातों के अंतर्गत आनी चाहिए। तो यहाँ हमने बात की चालू खाते के अंतर्गत भुगतान संतुलन में कौन कौन सी मदों को शामिल किया जाता है। अब आइए देखते हैं कि दूसरा इसका जो पक्ष है जिसे हमने कहा पूंजी खाता, तो पूंजी खाता क्या है और इसमें किन किन मदों को हम शामिल करते हैं। यहाँ जब बात हम पूंजी खाते की करते हैं तो जैसे कि हमने पहले भी पूंजी खाते के बारे में या पूंजी के बारे में जाना कि एक बहुत बड़ी जब अमाउंट हम कहीं पर व्यय करते हैं, एक बड़ी धनराशि हम लगाते हैं या स्थायी रूप से हम कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं, तो वो सारे जो मदें होती हैं वो पूंजी के अंतर्गत शामिल होने लगती है। लेकिन यहाँ पर जब भुगतान संतुलन के अंतर्गत हम बात करें तो यहाँ पर हम वित्तीय लेन देनों से संबंधित जो मदें होती हैं उनको हम यहाँ पर शामिल करते हैं। चालू खाते के बारे में हमने क्या जाना कि जो चालू मदें जो होती है, करंट जो मदें होती हैं, अल्पकालीन जो व्यय होते हैं उनको हम शामिल करते हैं, लेकिन पूंजी में हम वित्तीय लेन देनों को शामिल करते हैं। तो यहाँ हम ये देखते हैं कि इसमें सभी प्रकार के अल्पकालीन और दीर्घकालीन दोनों ही तरह के विनियोगों को, दोनों ही तरह के अंतरण को शामिल किया जाता है, जिसमें बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, बहुत सारे बिंदु हो सकते हैं जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि इन इन मदों को पूंजी अंतरण में शामिल किया जाए, पूंजीगत मदों में शामिल किया जाए। जैसे यहां हम देखते हैं कि अगर स्वर्ण का आदान प्रदान किया जाता है तो क्योंकि वो भी एक बहुत दीर्घकालीन हम उसको विनियोग कह सकते हैं, तो उसको हम इसमें शामिल कर सकते हैं। दूसरा एक हम देख सकते हैं कि अगर कोई देश विदेशों में पूंजी का निवेश करता है, जैसे मैंने अभी बात की कि बहुत सारे बाहर की जो एजेंसियां हैं, बाहर की जो कंपनियां हैं, वो हमारे देश में पैसा लगाती हैं, हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करती हैं, वैसे हमारे देश की कुछ कंपनियां अगर बाहर कुछ इन्वेस्ट करना चाहे तो इस तरह के जो किए गए विनियोग होते हैं वो भी कहीं ना कहीं पूंजीगत ही होते हैं, इसलिए इनको जब हम भुगतान संतुलन की बात करते हैं तो पूंजी खाता जो है उसके अंतर्गत हम शामिल करते हैं। ऐसे ही अगर हम बात करें यहाँ पर पूंजी प्रवाह की, तो ये भी जो होता है वो भुगतान संतुलन में शामिल किया जाता है। अब यहाँ हम देखें कि पूंजी खाते की मदें क्या है, तो इसके पहले कि हम जानें कि मदें क्या है, क्या क्या इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है, आइए हम देख लेते हैं कि प्रारूप क्या है पूंजी खाते का। जब हम इसको प्रारूपबद्ध करते हैं तो कैसे बिंदुवार हम मदों को शामिल करते हैं। भुगतान शेष चालू खाता एवं भुगतान शेष पूंजी खाते में अंतर। पहला, भुगतान शेष चालू खाता यह वस्तुओं तथा वस्तुओं के आयात एवं निर्यात तथा चालू हस्तांतरणों का लेखा जोखा रखता है, जबकि भुगतान शेष एक देश के निवासियों तथा शेष विश्व के बीच हुए ऐसे सभी लेन देनों का लेखा जोखा रखता है जिससे परिसंपत्तियों के स्वामित्व में परिवर्तन होता है। दूसरा, भुगतान शेष में चालू खाते के लेन देन अल्पकालीन होते हैं जबकि पूंजी खाते के लेन देन अधिकतर दीर्घकालीन होते हैं। तीसरा, भुगतान शेष के चालू खाते के मुख्य घटक हैं, पहला आयात एवं निर्यात वस्तुओं का, दूसरा सेवाओं के आयात एवं निर्यात, तीसरा चालू हस्तांतरण। जबकि भुगतान शेष में पूंजी खाते के मुख्य घटक हैं, पहला उधार, दूसरा विदेशी निवेश। चौथा, भुगतान शेष का चालू खाता भुगतान शेष के चालू खाते की मदें प्रवाह का प्रतिनिधित्व करती हैं, जबकि पूंजी खाते की मदें स्टॉक की अवधारणा को बताती हैं। पांचवा, चालू खाते का लेन देन देश के चालू आय में परिवर्तन लाता है जबकि पूंजी खाते का लेन देन पूंजीगत स्टॉक में परिवर्तन को बताता है। व्यापार शेष तथा चालू शेष में अंतर। पहला,
व्यापार शेष बराबर भौतिक वस्तुओं का निर्यात माइनस भौतिक वस्तुओं का आयात, जबकि चालू खाता शेष के अंतर्गत चालू खाता शेष बराबर व्यापार शेष प्लस अदृश्य मदों के कारण शेष। दूसरा, व्यापार शेष वह खाता है जो केवल वस्तुओं के आयात एवं निर्यात का लेखा जोखा रखता है, जबकि चालू खाता शेष वस्तुओं एवं सेवाओं का आयात निर्यात तथा चालू हस्तांतरणों का लेखा जोखा रखता है। तीसरा, व्यापार शेष में भौतिक वस्तुओं से संबंधित अंतरराष्ट्रीय लेन देन शामिल किए जाते हैं, जिन्हें सीमा रेखा को पार करते हुए देखा जा सकता है, जबकि चालू खाता शेष में भौतिक वस्तुओं एवं सेवाओं से संबंधित अंतरराष्ट्रीय लेन देन शामिल किए जाते हैं। तो आपने देखा कि पूंजी खाते के अंतर्गत किन किन मदों को शामिल किया जाता है, लेकिन ये जो पॉइंट है, जो बिंदु है, जो मदे हैं, इनमें कौन कौन सी अमाउंट लिखी जाएगी, किस किस तरह के व्यवहार को इन मदों के अंतर्गत शामिल किया जाएगा, आइए इस पर एक नज़र डालें। तो सबसे पहले हम पूंजीगत मदों में देखते हैं विदेशी निवेश। विदेश में किया गया कोई इन्वेस्टमेंट, जिसके बारे में अभी हम बात कर ही रहे थे, विदेश में खरीदी गई कोई संपत्ति, या कोई विदेश का व्यक्ति हमारे यहाँ आकर कोई संपत्ति खरीदे, इस तरह के जो निवेश होते हैं, विदेशी निवेश, जिनके बारे में हम पहले भी काफ़ी कुछ जान चुके हैं, इन सबको हम पूंजी खाते में शामिल करते हैं। दूसरा, यहाँ हम देखते हैं ऋण। ऋण जो है विदेशों से सहायता के रूप में हम प्राप्त करते हैं, लेकिन वो एक पक्षीय अंतरण सहायता नहीं होता है। यहाँ जब हम विदेशी ऋण की बात करते हैं, तो वो ऋण होता है जो ज़रूरत पड़ने पर हम विदेशों से लेते हैं और समय के साथ साथ हम उनको भुगतान करते हैं, बदले में हम ब्याज की राशि का भी भुगतान करते हैं। दूसरा एक पक्ष ये भी हो सकता है कि ज़रूरत पड़ने पर हम किसी दूसरे देश को ऋण दें, बदले में हम ब्याज भी प्राप्त करें। तो इस तरह के विदेशी ऋण की जो मदें होती हैं, वो पूंजी खाते के मदों के अंतर्गत शामिल की जाती हैं। इन्हीं मदों में हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे वाणिज्यिक उधार होते हैं, व्यापारिक उधार कर्ज होते हैं, जो बड़े जो उद्योगपति होते हैं वो आपस में एक दूसरे से लेते हैं, लेकिन वो अलग अलग देशों में रहते हैं, अलग अलग देशों के वो निवासी होते हैं, तो उनके द्वारा जो ऋण का आदान प्रदान किया जाता है वो भी इसी पूंजीगत व्यय के अंतर्गत, पूंजीगत मदों के अंतर्गत शामिल होता है। और उसको भी हम जब भुगतान संतुलन को लिखते हैं, उनके मदों का हम ब्यौरा तैयार करते हैं, तो पूंजीगत खाते में, पूंजी खाते में हम उसको शामिल करते हैं। यहीं पर बात आती है अल्पकालीन जमा। बहुत सारी जमाएं भी होती है, जमा करते हैं हम बैंकों में, तो अल्पकालीन जमाएं जो होती हैं वो, उनको भी हम इसी में शामिल करते हैं। साथ ही हम इसमें शामिल करते हैं बैंकिंग पूंजी, बैंकों के जो प्राप्ति भुगतान होते हैं, चाहे वो बैंक में इन्वेस्टमेंट किया गया हो, जमा किया गया हो, किसी बैंक से ऋण लिया गया हो, किसी बैंक के द्वारा ऋण दिया गया हो, दो देश अलग अलग, या तो अपन एक देश का बैंक दूसरे देश को ऋण देगा, या दूसरे देश के बैंक से हम ऋण लेंगे, दोनों ही कंडीशन में ये जो आदान प्रदान होगा ऋण का, वो भी पूंजी खातों की मदों के अंतर्गत आएगा। और जब हम भुगतान संतुलन की मदों को लिखेंगे, लिस्ट बनाएंगे उनकी, तो हम पूंजी खाते के अंतर्गत उसको शामिल करेंगे। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर हम देखते हैं कि सरकारी पूंजी का लेन देन होता है, सरकार के द्वारा किया गया लेन देन, ऋण के रूप में भी हो सकता है, ऋण भुगतान के रूप में भी हो सकता है, हमने किसी से ऋण लिया या किसी को ऋण दिया, एक कंडीशन में एक बड़ी राशि हमारे पास आई, दूसरी कंडीशन में हमने राशि दी, ब्याज हमको मिल भी सकता है, ब्याज हम दे भी सकते हैं ऋण पर, तो ये सारी इससे रिलेटेड जो मदें होती हैं वो सब के सब पूंजी खाते में शामिल की जाती हैं।